क्लास 12वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आपका अच्छा 12वीं का हम यहाँ पर रसायन शास्त्र पेपर लिख के आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आपने अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा और हम जो पेपर कराने एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। बाल हैं और आप यहाँ पर इस पे याद कर लेते हैं तो आपके 70 में 65 नंबर आने वाले। ठीक है स्टूडेंट, तो आप किस वीडियो के अंत देखना। साथ ही हम पेपर भी कराएंगे और आपको यहाँ पर संपूर्ण हल सहित आपको पेपर कराने वाले हैं। आपका ऑब्जेक्ट का और क्वेश्चन का सभी का सोल्यूशन कराएंगे क्योंकि आपका ये पेपर आने वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पेपर आपको याद जरूर करना है। और यहाँ पर देखते हैं अदवाइज बच्चे 22-23 अच्छा 12वीं विषय रसायन साथ समाज 3 घंटे का रहने वाला और पूर्णांक आपको 70 का रहने वाला। साथ ही जो हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं वो हम यहाँ पर 4 बजे रात को बना रहे हैं क्योंकि फाइनली आपका यहाँ पर रसायन साथ पेपर आ चुका है। और यहाँ पर हमने सोचा कि जो हम यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देते हैं जिससे उनके यहाँ पर रसायन साथ के पेपर अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो फाइनली आपका यहाँ पर रसायन साथ के पेपर आ चुका है और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपके जहाँ टाइम बचा भी नहीं है तो जो पेपर वो देख लेते हैं। तो पेपर देखने से पहले आपको यहाँ पर हम बता देते हैं आपको अच्छे देखना और सुनना, जैसे पूरा ऑब्जेक्टिव वो आपके यहीं पर याद होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर दोबारा पढ़ने का टाइम भी नहीं मिल पाएगा इसलिए आप आराम से देखिए और सुनिए, जिससे पूरा ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पर याद होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते सही पेपर चयन कीजिए, 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 1000 ग्राम ब्लैक में उपस्थित ब्लैक की मूलों की संख्या को कहते हैं मूलरता कहते हैं, मूलरता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं, फॉर्मलता कहते हैं। तो 1000 ग्राम ब्लैक में उपस्थित ब्लैक की मूलों की संख्या को कहते हैं मूलरता। ठीक है, इसका आपका दूसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब दूसरा यहाँ पर आता है गैसों का, देखते हैं गैसों का द्रव्य में ब्लैक का नियम दिया था बॉर्नथॉप ने, बर्कली ने, हेनरी ने, बॉयल ने। तो यहाँ पर गैसों का द्रव्य में ब्लैक का नियम दिया था हेनरी। ठीक है, अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपके यहाँ पर आता है 1 फैराड विद्युत का मान। ठीक है, 1 फैराड विद्युत का मान कितना होता है? तो इसका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 96,500 कूलम। ठीक है, 1 फैराड विद्युत का मान होता है 96,500 कूलम। तो अच्छी तरह देखते हैं सारी सुनते हैं, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद होने चाहिए। ठीक है, अब चलिए चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपके यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? एसीटेट बनाता है, ऑक्सीलेट बनाता है, साइनेट बनाता है, अमोनिया। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑक्सीलेट। ठीक है, यानी दूसरा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पांचवा देख लेते हैं। एसएन बना अभिक्रिया प्रथम पद में निर्माण होता है मुक्तमूलक का, कार्बोनायन का, कार्बोधनायन का, अंतिम उत्पाद का। तो जो यहाँ पर एसएन बना अभिक्रिया में जो यहाँ पर प्रथम पद में निर्माण होता है वो होता है कार्बोधनायन का। ठीक है, तो इसका आपका तीसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब छठवां आता है लुकास अभिक्रमक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? ठीक है, तो जो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो यहाँ पर आंसर होने वाला वो हो जाएगा एल्कोहल। ठीक है, लुकास अभिक्रमक द्वारा एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तीसरा आपका इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सातवां आता है, सातवां देखते क्रोमियम परमाणु में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है। तो जो यहाँ पर क्रोमियम परमाणु में होता है उसमें जो यहाँ पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 6। ठीक है, यानी इसका जो चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली हमने आपके 7 नंबर के यहाँ पर सही वर्क करा दिए, बेस्ट सोल्यूशन सही। ठीक है, और आपने इन्हें कॉपी नोट कर लिया होगा, अगर आपने यहाँ पर कॉपी नोट नहीं किया है तो जो इसका स्क्रीन शॉट वो उखाड़ लीजिए। ठीक है, हम आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं तो स्क्रीन शॉट लगाइए। अब चलिए जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, अब आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं। ठीक है, रेगिस्तान आते हैं, 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है बिलन, जिनके प्रासान दाब समान होते हैं बिलन कहलाते हैं। तो पहले देखते हैं आपको क्या भरना है, आपको पहले यहाँ पर रेगिस्तान भर देना समपराशाली। ठीक है, समपराशाली यहाँ पर देखते हैं बिलन जिनके प्रासान दाब समान होते हैं समपराशाली बिलन कहलाते हैं। अब दूसरा आता है बिलन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर होता है, तो बिलन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो दूसरे में आपको घटता भर देना है। अब तीसरा देख लेते हैं, तो तीसरा आता है अभिलोक तत्व दोनों तत्व कहलाते हैं। तो जो यहाँ पर अभिलोक तत्व रहते हैं वो यहाँ पर अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो तीसरे में आपको यहाँ पर अंतः संक्रमण तत्व भर देना है। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं, जेड एन केवल ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जेड एन केवल +2। ठीक है, जेड एन केवल +2 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना, जेड एन केवल +2 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, तो आपको इसमें +2 भर देना है। फिर आपके यहाँ पर पाँचवा यहाँ पर एक स्थान आता है, ईथर का दुर्ध्रव आगुण एल्कोहल से होता है। तो आपको पाँच में क्या भरना है, पाँच में भरना आपको यहाँ पर कम। ठीक है, कम भर देना है। और छठवां देख लेते हैं, छठवां एक स्थान आता है क्लोरीटोन उच्च कोटि की है। तो जो यहाँ पर क्लोरीटोन है, क्लोरीटोन है वो उच्च कोटि क्या है? यहाँ पर देते हैं निद्राकारी औषधि है। ठीक है, तो छः में आपको एक स्थान में यहाँ पर भर देना है निद्राकारी औषधि। ठीक है, जो यहाँ पर क्लोरीटेन है वो उच्च कोटि की निद्राकारी औषधि है। और सातवां आता है सेंडमीयर
मेरा अभिक्रिया का उत्पाद है। तो जहाँ पर सेंड मेरा अभिक्रिया का जो उत्पाद होता है वो यहाँ पर होता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो साथ में देखता हूँ आपको बता देना, यहाँ पर सेंड में अभिक्रिया का जो उत्पाद होता है वो होता है क्लोरोबेंजीन। तो साथ में देखता हूँ आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन भर देना, ठीक है। तो ये रहा आपका यहाँ पर देखता हूँ सुलझा, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो इसका जो स्क्रीन शॉट वो लगाइए, ठीक है, जो स्क्रीन शॉट उखाड़ लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। अब जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, आपके हमने सही बार करा दिए, साथ ही हमने आपके रिक्शा करा दिए। अब चलिए अब जो आपके आते हैं एक साथ जो आपके यहाँ पर सजोड़ी आती है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर सजोड़ी आती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम आपके एक साथ बाकी मुद्दा देखेंगे। पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हल से देखने वाले, क्वेश्चन से लेकर ऑब्जेक्ट तक पूरा सोल्यूशन कराएंगे, क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है। 7 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं, देखते हैं 7 नंबर के आपके यहाँ पर वो आते हैं सजोड़ी, ठीक है। आपकी कॉलम आ में यहाँ पर सजोड़ी दी गई है। पहली आती है ठोस विलयन, ठीक है, ठोस विलयन आती है, ठोस विलयन को मैच कर देना आपको किससे, हेलो एरेंज है। और यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन, राउल्ट के नियम का पालन क्या कौन करते हैं, आदर्श विलयन, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं धात्विक चालक, धात्विक चालक को मैच करना आपको चांदी से। और एक दंतुर आपका जो एक दंतुर होता है वो होता है एक्वा, ठीक है, एक्वा होता है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को आपको मैच करना किससे, मैग्नीशियम से। और विलयनसम संश्लेषण, जो 6वीं आती है विलयनसम संश्लेषण, इसको मैच कर देना आपको किससे, ईथर से। और सेंडमेयर अभिक्रिया, इसको मैच करना आपको किससे, हेलो एल्केन से। फाइनली हमने आपकी 7 नंबर की सजोड़ी करा दी है बेस्ट सॉल्यूशन सहित। और साथ ही आप यहाँ पर हमने नंबर भी लिख दिए हैं कौन सी सजोड़ी आपको कौन सा यहाँ पर मैच करना, ठीक है। आपको यहाँ पर देखते ठोस विलयन को आपके यहाँ पर हेलो एरिन से, राउल के नियम का पालन आदर्श विलयन, धात्विक चालक चांदी, एकदम तो एक्वा, और क्लोरोफिल आपके यहाँ पर क्या जो क्लोरोफिल वो मैग्नीशियम, और विलयन संश्लेषण यहाँ पर ईथर, और सेंड मैंने अभी किया देते हैं हेलो एल्केन। तो फाइनली हमने आपकी यहाँ पर सजोड़ी वो करा दी है। अब आपके यहाँ पर एक शब्दवाक्य में आता है, 7 नंबर के आते हैं एक शब्दवाक्य में होता है, ठीक है। तो आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने का बनता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, एल्केन बनता है, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा एल्केन बनता है। तो पहले मैं आपको एल्केन कर लेना है। दूसरा आता है मैथेन का ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं, ठीक है, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन, ठीक है, मीथेन हो जाएगा दूसरे का आंसर। और तीसरा आता है क्लिट क्या होते हैं, जो क्लिट का यहाँ पर आंसर है, क्लिट का आप यहाँ पर देते हैं, क्लिट का जो आंसर है, जब किसी संलग्नि में दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं जो किसी एक धातु आयन से एक साथ कम एक साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, क्लिट कहलाते हैं, इसे क्लिट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं क्लिट की परिभाषा, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो उसका स्क्रीन शॉट उखाड़ लीजिए, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा करा दिए, चौथा देते केंद्रीय धातु, आप जानते देते केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य कौन सा बंध होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख लेना, तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य कौन सा बंध होता है, तो वो यहाँ पर होता है उपसह संयोजी बंध, ठीक है। तो चौथे में आपका यहाँ पर उपसह संयोजी बंध हो जाएगा। और पांचवा आता है नियम, जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। तो पांचवें में आपको क्या करना, पांचवें का जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कोरोस, ठीक है, पांचवें का आपका यहाँ पर कोरोस हो जाएगा, ठीक है, कोरोस होने वाला। पांचवें जो यहाँ पर देते हैं अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात किससे करते हैं, कोरोस नियम से। और छठवां आता है द्विक लवण किन्हें कहते हैं, तो जो द्विक लवण की परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो अलग अलग सामान्य क्रिस्टलीय लवणों का मिश्रण को द्विक लवण कहते हैं, दो अलग अलग सामान्य क्रिस्टलीय लवणों का मिश्रण को द्विक लवण कहते हैं, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और आपके पास 7वां आता है एब्लोक तत्वों को कितनी श्रेणी में बांटा गया, तो यहाँ पर एब्लोक तत्वों को यहाँ पर दो श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है, एब्लोक तत्वों को यहाँ पर दो श्रेणियों में बांटा गया, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा दो, ठीक है। तो फाइनली हमने एक शब्दवाक्य में उत्तर का यहाँ पर जो सॉल्यूशन वो करा दिया, हमने आपके एक शब्दवाक्य में उत्तर करा दी, सजोड़ी करा दी, रेगिस्तान करा दिए और सही बार करा दिया, यानी फाइनली आपके पूरे ऑब्जेक्ट यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन सही करा दिए। अब जब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है दूसरा, ठीक है, सॉरी पांचवा क्वेश्चन आता है हेनरी के नियम को उदाहरण सही समझाइए, और अथवा आता प्रासरण एवं प्रासरण दाब को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो इसमें से आपको यही करना है, तो जो आपका अथवा का प्रासरण एवं प्रासरण दाब को परिभाषित कीजिए, इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। तो आपका जो इसका आंसर है यहाँ पर देते हैं, इसका आंसर आप यहाँ जो आपके यहाँ पर देते हैं प्रासरण एवं प्रासरण दाब को परिभाषित कीजिए, तो प्रासरण की जो आपकी परिभाषा हुआ फिर कीजिए, जिसमें विलायक की कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ आधा पावन झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं उसे प्रासरण कहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो प्रासरण की परिभाषा वो आपने देख ली होगी। अब आपके यहाँ पर आती है प्रासरण दाब, ठीक है, तो वह अधिकतम दाब जो एक आधा पावन झिल्ली से द्वारा विलयन घोल को उसके शुद्ध विलायक से पृथक करने पर विलयन में उत्पन्न होता है प्रासरण दाब कहलाता है, ठीक है। तो हमने प्रासरण और प्रासरण दाब की परिभाषा करा दी, जो इसके स्क्रीन शॉट उखाड़ लीजिए। अब चलिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं, तो आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है यहाँ पर देखते हैं, कोरराउस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए, आपको 2 नंबर का है, और अथवा आता है फैराडे के प्रथम नियम क्या, ठीक है,
फेराडे का प्रथम नियम क्या समझाइए, तो जो आपके यहाँ पर आता है क्रॉस का नियम क्या, इसके अनुपयोग लिखिए। तो चलिए इसका आंसर वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो आप यहाँ पर देते हैं जो आपके यहाँ पर दिया है क्रॉस का नियम क्या है, यहाँ पर देते हैं क्रॉस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो क्रॉस का नियम है किसी विद्युत अवघट की अनंत तन्यता, जब समस्त विद्युत अवघट पूर्णतः आयनित हो जाता है तथा अंतरा आयनिक आकर्षण नग्ण हो जाता है, तब विद्युत अवघट की आणविक चालकता का मान उनके धनायनों और ऋणायनों की अनंत तन्यता पर आयन चालकताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर क्रॉस का नियम है, साथ ही इसके आपके नीचे भी आंसर दिया है, तो ये देख सकते हो, और हम आपकी स्क्रीन में दिखा देते, ठीक है। आपको स्क्रीन शॉट घालते जाना है, और जो इसके अनुप्रयोग हैं, पहले तो इतनी का आप स्क्रीन शॉट घाल लीजिए, और आपके यहाँ पर अनुप्रयोग आते हैं, ठीक है। अनुप्रयोग आप यहाँ पर देते हैं, ये रहा अनुप्रयोग, तो इसका भी स्क्रीन शॉट घाल लीजिए, हम आपकी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपने स्क्रीन शॉट घाल लिया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है, आप यहाँ पर देखते हैं विद्युत अवघट किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए, और यहाँ पर अथवा आता अभिकीय दर एवं अंतर स्थिरांक में अंतर लिखिए। आपके यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया है अभिकीय दर एवं दर स्थिरांक में अंतर स्पर्श कीजिए, तो जो इसका आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते, ठीक है। तो इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपके यहाँ पर अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में जो अंतर है वो हम आपको दिखा रहे हैं इसका आंसर। तो फाइनली जो इसका स्क्रीनशॉट है वो उठा लीजिए, तो हम पढ़ के नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, साथ ही आपको पढ़ना भी है अभी, तो इसका जो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट उठा लिया होगा, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेग नियम और द्रव अनुपातिक क्रिया नियम में क्या अंतर है, ठीक है। आपका आठवां क्वेश्चन जो कि दो नंबर का है, और अथवा आता किसी पदार्थ की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, ठीक है। कारकों को समझाइए जो आपके यहाँ पर दिया गया किसी पदार्थ की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, इसका जो आंसर है जो अथवा क्वेश्चन है आठवीं का, इसका आंसर हमें आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, तो चलिए आपको यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखना, हम पूरा यहाँ आपको दिखाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, जो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा विद्युत अवघट पदार्थों की विद्युतीय चालकता प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। यही आपके कारक हैं, तो आपको यहाँ पर तीन आपके यहाँ पर हेडिंग दी गई हैं, तो आपको दो हेडिंग को लिखना, ठीक है, क्योंकि दो नंबर का, तो आपको दो हेडिंग लिखनी है, और साथ ही जो आपकी पहली और दूसरी हेडिंग है वो काफ़ी छोटी हैं, तो इन्हीं को आपको याद कर लेना। तो फाइनली जो इसके स्क्रीन शॉट वो घाल ली, ठीक है, हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो आप स्क्रीन शॉट घाल लीजिए और पूरा पेपर आपको याद करके जाना, क्योंकि यही पेपर आने वाला, तो आपने जो स्क्रीन शॉट वो घाल लिया होगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित ऑप्शन सभी युवकों के IUPAC नाम लिखिए, तो इनकी जो आपको IUPAC नाम लिखना, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोनों नंबर क्वेश्चन है, और अथवा आता है बर्नर का ऑप्शन यहाँ पर सह संयोजकता का सिद्धांत उदाहरण सही समझाइए, ठीक है। जो आपका अथवा आता है बर्नर का ऑप्शन संयोजकता का सिद्धांत उदाहरण सही समझाइए, जो इसका आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो पूरा हम यहाँ पर जो पेपर है वो आपका देखने वाले हैं, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, साथ ही आंसर हम आपको दिखा देते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो फाइनली आपका जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर, आप स्टूडेंट हम आपको दिखा देते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया था बर्नर का ऑप्शन संयोजकता का सिद्धांत उदाहरण सही समझा, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देखते हैं, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बर्नर का ऑप्शन संयोजकता का सिद्धांत, ठीक है। अल्फ्रेड बर्नर ने ऑप्शन संयोजकता का प्रतिपादन 1893 ईस्वी में किया, इस सिद्धांत के अभिग्रहित निम्नलिखित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर पूरा आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं पूरा आपको यहाँ पर जो स्क्रीन में दिखाना है, तो इसकी स्क्रीन शॉट उठा लीजिए, ठीक है, स्क्रीन शॉट खाली, ये रहा पूरा आंसर यहाँ पर, इस साइड जो यहाँ पर दिया है ये आंसर नहीं है, जो यहाँ पर इतने में दिया है ये आंसर है, ठीक है। तो इसके स्क्रीन शॉट खा लीजिए, तो फाइनली हमने ये भी आपको आंसर करा दिया। अब चलिए देख लेते हैं, अब आपके यहाँ पर आता कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, अब आपका यहाँ पर आता दसवां क्वेश्चन, आप यहाँ पर देखते हैं ये आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, ये आपका यहाँ पर दो नंबर का इसका अथवा आता दसवीं का द्विक लवण किसे कहते हैं, इनके तीन उदाहरण एवं सूत्र लिखिए, ठीक है। जो आपका अथवा का आता है द्विक लवण किसे कहते हैं, दसवीं का जो अथवा है द्विक लवण किसे कहते हैं, इनके तीन उदाहरण एवं सूत्र लिखिए, तो जो इसका आंसर है वो आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो दसवीं का आपका अथवा का आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, चलिए दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हो जो द्विक लवण आपकी जो द्विक लवण का आंसर है, यानी द्विक लवण किसे कहते हैं, उनके आपको उदाहरण लिखना, ठीक है। तो जो आपकी द्विक लवण की परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी ये एक से लेकर होते हैं जो जलीय विलयन बनाने पर अपने संघटक आयनों में टूट जाते हैं, द्विक लवण के सभी संघटक आयन अपनी स्वतंत्र पहचान रखते हैं तथा आयनीकरण होने पर अपने परीक्षण देते हैं, ठीक है। और साथ ही इसके जो उदाहरण नीचे दिए हैं तो आप देख लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट लगाइए, क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला, पूरा आपको पूरा पेपर याद करके जाना है, इसलिए हम सोल्यूशन करा रहे हैं क्योंकि यही पेपर आने वाला, ठीक है। आप चलिए आप देख लेते हैं आपका 11वां क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइनली आप इस पेपर पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन का, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी जाएगी। अब चलिए आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 11वां क्वेश्चन आता है लिगंड क्या उदाहरण सही समझाइए, ठीक है, लिगंड क्या उदाहरण सही समझाइए, तो जो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा
और जो आपका अथवा का प्रभावी प्रमाण क्रमांक क्या उदाहरण समझाइए। ठीक है, तो जो ऊपर कहा लेखन क्या उदाहरण समझाइए, इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख रहे, तो इसके यहाँ आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर लेखन किसे कहते हैं, और साथ ही इसके यहाँ पर परिभाषा आप पूरी पढ़ ही सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके एक दंतु लेखन और दो यहाँ पर दो दंतु लेखन के आपको उदाहरण दिए हैं, तो दोनों में से आपको यहाँ पर कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक दंतु लेखन के उदाहरण लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो आप दो दंतु लेखन के भी उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपको जो हमने दिखा दिए, जो आपके यहाँ पर दिए इतना, ये आपका इतना आंसर है। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट उठा लीजिए, हम आपको इसके में दिखा रहे हैं। आप चलिए देख लेते हैं आपका 12वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका 12वां क्वेश्चन आता है उपसमय युगकों में लिगेंड समावयवता उदाहरण सही समझाइए। दो नंबर क्वेश्चन अथवा आता बनर का उपसमय संयोजकता का सिद्धांत उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, जो ऊपर का आपका आता है उपसंयोजक युगकों में लिगेंड समावयवता उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर दिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इसके आपको आंसर जो दिखा देते हैं, तो यहाँ पर चलिए जो इसका आंसर है वो आपके यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए तो उपसंयोजक युगकों में लिगेंड समावयवता उदाहरण सही समझाइए। जो हम आपको आंसर करा रहे हैं ये आपको हम प्रश्न बैंक से करा रहे हैं। ठीक है, ये जो हम आंसर करा रहे हैं वो आपको प्रश्न बैंक से करा रहे हैं, यानी पूरा आपका यही पेपर आने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी एक से एक जिनमें लिगेंड स्वयं समावयवता प्रदर्शित करते हैं लिगेंड समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। साथ ही आप देखते हैं 2 क्लोरोफेनल 3 क्लोरोफेनल 4 क्लोरोफेनल। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया आंसर, और इस साइड भी आपके यहाँ पर सेकंड पेज में भी आपका आंसर दिया है, वो भी देख लीजिए। और साथ ही आपके यहाँ पर इस साइड भी आंसर इतना यहाँ पर दिया है, यथा निम्न तीनों संकुल युगक लिगेंड समावयवी कहलाते हैं, आपका आंसर है। साथ ही इसके तीन उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, तो इसके तो घर ली। तो फाइनली हमने पूरा आपका यहाँ पर जो दो दो नंबर क्वेश्चन थे उनका पूरा सोल्यूशन करा दिया। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता क्या, अब 13वां क्वेश्चन आता है राउल्ट का बाल सदाव अनुमान नियम लिखिए, राउल्ट के नियम की सीमा लिखिए, अथवा था बांट हाफ गुणांक से आपके साथ इसके अनुपयोग लिखिए। 14वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर आरोहणीय समीकरण क्या, इसकी उपयोगिता समय 3वां क्वेश्चन है। ठीक है, और 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन, और अथवा था लेंथ लाइट्स और एक्टिनाइट्स में अंतर लिखिए। और 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि 3वां क्वेश्चन आपका। ठीक है, और 7वां आता है SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए तथा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। और जो आपके जो हम क्वेश्चन आपके छोड़ रहे हैं, इन क्वेश्चन का अंतर आपको आने वाला है, जो इनका क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो आपका 15 मिनट के बाद आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले प्रेस कर लीजिए, और 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, और ये आपको 19वां क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरा का जो स्क्रीन शॉट है वो उठा लीजिए, हमने फाइनली पूरा पेपर करा दिया। और जो आपके दो दो नंबर क्वेश्चन थे, साथ ही जो आपके ऑब्जेक्ट थे उनका सोल्यूशन हमने करा दिया। जो आपके 3वां क्वेश्चन है, साथ ही जो 4वां क्वेश्चन है, जो आपके 5वां क्वेश्चन है, उनका सोल्यूशन आने वाला 15 मिनट के बाद। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले प्रेस कर लीजिए, क्योंकि 15 मिनट के बाद आपको पूरा सोल्यूशन आने वाला है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर इस पर याद कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर 70 में 65 नंबर लाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 15 मिनट के बाद मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सोल्यूशन। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।